अभी तक देश के मुद्दों को लेकर हर रोज ट्विटर पर बहस छिड़ जाती थी। देश के मुद्दों को लेकर ट्विटर वॉर शुरू हो जाता था, लेकिन अब विदेश में हो रही गतिविधियों पर भी भारत के नेताओं के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिकी संसद भवन पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन भारत में इस चर्चा को लेकर सोशल मीडिया पर वॉर तब शुरू हुई जब यूएस कैपिटल पर ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बीच से तिरंगे की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच भी ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है। वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक फोटो ट्वीट करते हुए बताया कि यूएस कैपिटल के पास तिरंगा लहराने वाला शशि थरूर का जानने वाला है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में शशि थरूर को लेकर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि प्रिय शशि थरूर, हम अब जानते हैं कि यह पागल आदमी आपका दोस्त है, तो कोई केवल बस ये उम्मीद कर सकता है कि आप और आपके सहकर्मी इस हाथापाई के पीछे चुपचाप खड़े नहीं थे। वहीं शशि थरूर ने वरुण के इस ट्वीट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। क्या आप अपने हर शुभचिंतक के गुमराह कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं? मैं अपने देश के प्रिय झंडे को शर्मनाक अमेरिकी भीड़ में लाने के किसी भी प्रयास की निंदा करता हूँ। दरअसल ये वॉर तब शुरू हुआ जब वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में अमेरिका में संसद पर हुए हमले के हंगामे में भारतीय झंडे वाले वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वहाँ पर भारतीय झंडा क्यों है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका भारत कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहता है। वरुण गांधी के इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए शशि थरूर ने भी तंज कस दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय भी ट्रंप के इन समर्थकों जैसी मानसिकता वाले हैं, जो तिरंगे को सम्मान के बजाय एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो उनसे सहमत नहीं होता है उसे एंटी नेशनल करार दे देते हैं। वहाँ पर दिख रहा वह झंडा हम सभी के लिए चेतावनी है। शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद ही वरुण गांधी आग बबूला हो गए और अपने ट्वीट से शशि थरूर की फजीहत कर डाली। फिलहाल दोनों नेताओं में बयानी वॉर शुरू है, लेकिन इस वॉर में अगला कौन सा स्ट्रोक सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।